और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 मनिका शोकंद को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मनिका शोकंद को नियुक्ति पत्र और एग्रीमेंट सौंपा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में फेमिना मिस इंडिया मनिका शोकंद को जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का समय आ गया है। यह वक्त की मांग है। जल के बिना जीवन संभव नहीं। जैसे समय को कीमती माना जाता है, उसी तरह जल भी बेहद कीमती है। उन्होंने मनिका को इस अभियान में आगे आने की बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने मनिका को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए भी शुभकामनाएं दी। जैसे हमने ये 2 साल जल प्रबंधन योजना के रखे हैं कि 2 वर्षीय कार्यक्रम ये है, उसमें आज एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है जिसके अंदर रियल टाइम जो डिटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स जो है वो बनेगा और उसमें हमें पता लगेगा कि कहाँ से कितना पानी निकला और कहाँ कितना पानी पहुँचा, बीच में चोरी कितनी हुई, ताकि उसका हम प्रबंधन कर सकें उन चीज़ों को रोकने के लिए। क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसका प्रबंधन ही उचित हो जाए तो सबकी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। और इस विषय को गंभीरता से लेकर के मनिका शोकंद जो हमारी मिस इंडिया हैं, तो मिस इंडिया ने अपने आप को ऑफर किया कि मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। जल संरक्षण अभियान की गुडविल एम्बेसडर नियुक्त की गई मनिका शोकंद हरियाणा के जींद जिले के उचाना की मूल निवासी हैं। इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इस मौके पर मनिका शोकंद ने कहा कि मैं किसान की बेटी हूं और जल संरक्षण के महत्व को समझती हूं। उन्होंने कहा वे हरियाणा सरकार की जल संरक्षण की योजनाओं से बेहद प्रभावित हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मेरे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इतने नोबल कैंपेन का, मेरा पानी मेरी विरासत। तो जो मैं कर सकती हूँ कि मैं अपने किसानों भाइयों और मेरे पिता जैसे जो किसान हैं उनको मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि वो कम ऐसी फसलें उगाएं जिसमें पानी कम यूज़ हो, पैदावार ज़्यादा हो, उनकी आय ज़्यादा बढ़े। जाके अभी तक वो सिर्फ जीरी कर रहे थे जिसमें बहुत पानी लगता है, तो बहुत सारी फसलें ऑल्टरनेट फसलें ऐसी हैं कि जिसमें पानी कम आय ज़्यादा होती है, फसलें ज़्यादा होती है। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी। मनिका ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मुझे जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं हमेशा से पर्यावरण संरक्षण की समर्थक रही हूँ। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज़ के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।